संग्राम अपने देश में भी है लेकिन सियासी है, और इसकी वजह है दिल्ली की बाढ़। दिल्ली में यमुना का पानी कम हो रहा है लेकिन खतरे के निशान से अब भी ऊपर है। और इस बीच आईटीओ बैराज के बंद गेट काटने का काम भी जारी है। राजघाट में भी दीवार तोड़कर पानी को बहाया जा रहा है। कुल मिलाकर पानी कम तो हो रहा है लेकिन राजनीति का उफान बढ़ता जा रहा है। एक तरफ हरियाणा और दिल्ली सरकार आमने सामने आ गई है तो दूसरी तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर प्रहार और पलटवार कर रहे हैं। यमुना में पानी कम होता जा रहा है मगर मुश्किलों का स्तर यूं ही कायम है। दिल्ली की गलियों में अब भी पानी है। दर्द और परेशानी की वही कहानी है क्योंकि अब भी यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इसका असर दिख रहा है यमुना के आसपास के इलाकों में। मयूर विहार से लेकर लाल किले तक स्थिति अब भी पानी पानी है। प्रशासन की तरफ से भी कल 4 जो पंप मशीन थी वो यहाँ पर बुलाई गई और उसके बाद पानी निकालने की कवायद शुरू हुई। इसके बावजूद भी आप अंदाजा लगाइए कि 6 से 7 फीट पानी अभी भी सामने अंडरपास में भरा हुआ है, निकालने की कोई सुविधा नहीं है, तो इसलिए इस पानी को पंप के द्वारा ही एक बार फिर से निकाला जाएगा। घर, दुकान, गली, सड़क, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। राजघाट के इलाके में पानी निकालने के लिए दीवारों को तोड़ दिया गया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और केजरीवाल के मंत्री आतिशी की मौजूदगी में राजघाट के पास दीवार तोड़ी गई है। पानी कम होने लगा है लेकिन सियासत और ज्यादा उफान मारने लगी है। दिल्ली के बयानवीर कैसे एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में जुटे हैं ये आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि जिस आईटीओ ब्रिज के रास्ते यमुना का पानी निकल रहा है उसका दूसरा गेट भी खुलने वाला है, हालांकि 3 गेट अब भी जाम हैं। राजधानी दिल्ली में आईटीओ बराज के गेट को खोलने का काम चल रहा है। दरअसल यहाँ पर 5 गेट हैं, आप अगर तस्वीरों में देखें तो, जिसमें से एक गेट को कल खोल लिया गया और दूसरा जो गेट है जो जाम है, जिसके लिए टीम बाहर से आई है, उसको खोलने का काम लगातार जारी है। देर शाम से उसको खोलने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी भी काम चल ही रहा है। शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, इसकी वजह से काम ठप पड़ा हुआ है लेकिन उम्मीद है गेट को जल्द से जल्द खोल लिया जाएगा। घंटे, 2 घंटे या पूरी रात का वक्त भी लग सकता है लेकिन इस वक्त काम लगातार जारी है तो ऐसे उम्मीद की जा रही है कि इस गेट को जल्द खोल लिया जाए। ये वही आईटीओ बैराज है जो बरसों से जाम है, जो हरियाणा सरकार के अधीन है, जिसको लेकर दिल्ली की सरकार लगातार आक्रामक है, जिसका गेट गैस कटर से काटकर पानी निकाला जा रहा है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि इस बैराज के पास हरियाणा सरकार ने गाद नहीं निकाला इसलिए दिल्ली डूब गई। ये आईटीओ का बैराज आप दिल्ली सरकार को दे दीजिए, क्यों रखना चाहती है हरियाणा सरकार इसको? आपका कोई काम नहीं इससे, आपका कोई लेना देना नहीं, आप इसको दिल्ली सरकार को दीजिए ताकि हम इसे मेंटेन करें। आईटीओ बैराज को लेकर जैसे ही ये खबर आई, जवाब हरियाणा की तरफ से आया। हरियाणा की चीफ इंजीनियर ने दावा किया कि दिल्ली सरकार ने मेंटेनेंस का पैसा नहीं दिया इसलिए ये स्थिति हुई। इस गेट को कौन मेंटेन कर रहा था? हरियाणा सरकार। और इसका रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन दे रहा था? दिल्ली गवर्नमेंट। पिछले 5 साल से इन्होंने पैसा नहीं दिया। हमने इन्हें कई बार लिखा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं जा सकते, आप सरकार को पैसे दीजिए, हम मेंटेनेंस करेंगे। उसके बावजूद भी हमने सरकार से पैसे लेके इस आपदा में इसको फिर भी मेंटेन करवा रहे हैं। ये दिल्ली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे को इसको पैसे दे रनिंग। ये सवाल जब दिल्ली सरकार के पास पहुंचा तो जवाब उधर से भी आया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनकी मंत्री ने भी कहा है कि आईटीओ बैराज की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की नहीं बल्कि एनटीपीसी की है। मैंने अभी अभी पता किया है कि ये पैसा हम नहीं देते, ये पैसा एनटीपीसी देती है। एनटीपीसी दिया करती थी तो एनटीपीसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो ये प्रश्न एनटीपीसी से पूछना चाहिए, उन्होंने दिया नहीं दिया, इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं होता था। केजरीवाल के इस जवाब को सुनकर हरियाणा के मुख्यमंत्री भी सामने आए। उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की सोच बहुत छोटी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल उठने लगा है कि आईटीओ बैराज के रखरखाव का जिम्मा एनटीपीसी के पास कैसे चला गया। इस पर जब मुख्यमंत्री
केजरीवाल घिरने लगे तो उनके लेफ्टिनेंट की सफाई आई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अरविंद केजरीवाल ने गलती से डीटीपीसी यानी दिल्ली थर्मल पावर कंट्रोल बोर्ड की जगह एनटीपीसी कह दिया था। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल ठोंग कर रहे हैं। तो हर बार दिल्ली को मझधार में छोड़ दो और फिर उम्मीद करो कि नया पार कोई और ही लगाएगा। हमारा काम तो सिर्फ भड़काऊ भाषण देना और जनता को गुमराह करना है। केजरीवाल जी के ऊपर मैं सीधा सवाल उठाती हूँ कि जब कम पानी छोड़ा गया तो दिल्ली में बाढ़ कैसे आई? 6,800 करोड़ रुपया 5 साल यमुना की सफाई पर अगर यमुना दिल्ली सरकार ने खर्च किया है तो वो पैसा कहाँ गया? तो मुझे लगता है कि इसकी तो जांच होनी चाहिए कि ये 6,800 करोड़ रुपए का क्या ही किया और ड्रेजिंग क्यों नहीं हुई। शाब्दिक तलवारें दोनों तरफ से खींची हुई हैं। एक तरफ से प्रहार होता है, दूसरी तरफ से पलटवार होता है। कोई पीछे नहीं है। आगे निकलने की होड़ में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नया ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि यमुना के किनारे रहने वाले गरीब परिवारों को आर्थिक मदद दी जाएगी। मतलब जिस परिवार का पूरे घर का सामान बह गया उसे दिल्ली की सरकार आर्थिक मदद के तौर पर हर बाढ़ पीड़ित परिवार को 10,000 रुपए प्रति परिवार देगी। जिनके कागज जैसे आधार कार्ड आदि बह गए उनके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। जिन बच्चों की ड्रेस और किताबें बह गई उन्हें स्कूलों की तरफ से ये सब मिलेंगे। केजरीवाल सरकार को उम्मीद है कि जिनका सब कुछ बाढ़ में बर्बाद हो गया उन्हें 10,000 रुपए में बहुत कुछ वापस मिल जाएगा। यमुना किनारे रहने वाले ऐसे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो इससे खुश हो जाएं या फिर इस बाढ़ के प्रचंड प्रहार से करहाते रहें। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।